निर्वासित तिब्बतीन सरकार का चुनाव आयोग साल 2021 में होने वाले अपने आम चुनावों को लेकर पूरी प्रतिबद्धता के साथ तैयारियां शुरू कर चुका है। दुनिया भर में फैले तिब्बतियों को एकजुट कर अब 18 साल से ऊपर के तमाम तिब्बतियों की सूची चुनाव आयोग तैयार कर चुका है और उन्हें अब वोटर लिस्ट में डालने की प्रक्रिया मुकम्मल की जा रही है। तो वही आगामी होने वाले चुनावों में राष्ट्रपति और सांसद पद के लिए भी उम्मीदवार अपने ताल ठोक चुके हैं। अब की बार सिक्योंग यानी राष्ट्रपति पद के लिए निर्वासित तिब्बती सरकार के मौजूदा डिप्टी स्पीकर यसी फुंतसौक अपनी ताल ठोक चुके हैं और बाकायदा सोशल मीडिया के जरिए अपना प्रचार भी शुरू कर दिया है। यसी फुंतसौक की माने तो उनका चुनाव दो चरणों में होता है, जिसके तहत पहला चुनाव जनवरी 3 को होगा जबकि दूसरा चुनाव 11 अप्रैल को होगा। यसी फुंतसौक ने कहा कि हालांकि कोरोना काल चला हुआ है और सभी को एहतियात बरतनी बहुत जरूरी है, बावजूद इसके चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना भी बेहद अहम है। इसलिए वो देश और दुनिया भर में रहने वाले 1.5 लाख से ज्यादा निर्वासित तिब्बतियों से अपील करेंगे कि वो अपने जरूरी कामकाज से वक्त निकालकर इस चुनाव प्रक्रिया में जरूर हिस्सेदारी निभाएं और इन चुनावों को सफल बनाएं ताकि निर्वासित तिब्बतियन अपने हकों के लिए निकट भविष्य में एक मजबूत सरकार बना सकें। हमारे चुनाव जो है निवासी तिब्बत के संघर्ष जो नेतृत्व करने के सिक्योंग और निवासी तिब्बत के संसद का दोनों चुनाव जो है वो प्रक्रिया प्रारंभ हो चुके हैं। हमारे इलेक्शन कमीशन की ओर से घोषणा भी कर चुके हैं तारीख का, वो तो 3 जनवरी को प्रिलिमिनरी प्रारंभ एक हमारे होता है इलेक्शन, वो उस दिन होगा और अप्रैल 11 को प्रिलिमिनरी के बाद जो जो जिन जिन लोगों को एक प्रत्यक्ष रूप में जो जिनको खड़ा होने का एक नियमित बनता है तो वो इलेक्शन जो है वो 4 अप्रैल 11 को होगा। तो इसलिए दो बार हम लोगों को वोट डालना होता है, तो इसलिए ये समय तो तैयार हो चुका है और अभियान भी अभी चल रहा है जी। ये जो है हमारे अभी जो इलेक्शन कमीशन की ओर से तो पूरा कोशिश जारी है, क्योंकि हमारे जो तिब्बती जो निवासित जो है पूरे विश्व में फैले हुए हैं, तो इसीलिए पूरा कोशिश जारी रहेगा कि उन्होंने अपना पूरा निभा रहा है। और मैं खुद अपना एक प्रतिद्वंद्वी होने के नाते सिक्योंग का मेरा प्रचार ठीक से चल रहा है, हमें तो पूरा विश्व भर में जहाँ तिब्बती है वहाँ से मुझे वोट प्राप्त होना है। तो इसलिए अभी तक अभियान सोशल मीडिया के माध्यम से चल रहा है और लोगों के अपने प्रचार के अनेक रूप से प्रचार कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे पूरा आशा है कि एक नियमित रूप से हमारे जो इलेक्शन जो है वो कर पाएंगे और हो पाएंगे